वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नॉलेज सीकर। विच टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऑफ हारमोन्स। तो हारमोन्स जो होते हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि हारमोन्स केमिकल मैसेंजर हैं जो बॉडी में डिफरेंट जो मैकेनिज़म्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन है, वो मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे पास प्रोलैक्टिन होता है जो कि मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। ऑक्सीटोसिन होता है जो कि मिल्क को रिलीज़ करवाता है, इजेक्शन में हेल्प आउट करता है। और इस तरह डिफरेंट हार्मोन्स के जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन होते हैं। और हमने देखा था कि स्पेसिफिक बॉडी में रेगुलेटरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन को रिलीज़ कर रहे थे। तो बॉडी में जो है वो रिलीज़ तो हो रहा होता है, लेकिन नेचर ने जो हमारे सिस्टम में है वो दो फीडबैक सिस्टम रखती हैं जो कि उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को, उसकी अमाउंट को जो है वो बॉडी में नॉर्मल होम्योस्टेटिक लेवल पर रखने के लिए दो हमारे पास फीडबैक सिस्टम्स हैं। पहला जो है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। इसमें ये होता है कि इनिशिएटिंग स्टिमुलस जो के हार्मोन्स की रिलीज़ करवा रहा है, ये इस सिस्टम में, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में जो रिस्पांस होता है ये इनिशिएटिंग स्टिमुलाय को काउंटरैक्ट करता है। इनिशिएटिंग स्टिमुलाय मतलब अगर वो ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करवा रहा है तो ये क्या करेगा, उसकी कंसंट्रेशन को कम करेगा। ये दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इस फीडबैक का जो रिस्पांस होता है वो इनिशिएटिंग स्टिमुलस के ओपोजिट डायरेक्शन में होता है। और दूसरी तरफ हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, इसका जो रिस्पांस होता है वो इनिशिएटिंग स्टिमुलस की ही डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर इनिशिएटिंग स्टिमुलस जो है वो हार्मोन की रिलीजिंग करवा रहा है, रिलीजिंग का प्रोसेस कर रहा है, तो ये उस प्रोसेस को रिइंफोर्स करेगा, उस प्रोसेस को बढ़ाएगा। मीन्स इसका रिस्पांस और इनिशिएटिंग स्टिमुलस दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है लीड्स टूवर्ड इंस्टेबिलिटी एंड पैथोलॉजिकल स्टेट्स। अब हम इन फीडबैक सिस्टम की एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की एग्जाम्पल। अब ये हार्मोन यहाँ पर जैसे ही बॉडी में, ये वर्टिब्रेट एनिमल जो हैं उनमें जो है उनकी बॉडी में हार्मोन्स की एक एग्जांपल है, उसको यहाँ पर डिस्कस किया है कि जैसे ही एनिमल जो है वो हंगर फील करता है तो हाइपोथैलेमस जो है वो TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ कर देता है, जिसके रिस्पांस में TSH जो है उसको रिलीज़ किया जाता है। और TSH के रिस्पांस में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। जैसे ये थायरोक्सिन की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगी तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वो इंक्रीज़ तो होगा, लेकिन जब इंक्रीज़ जो है वो होम्योस्टेटिक लेवल से जो है वो बाहर जाने लगेगा, एक पॉइंट है जहाँ तक ये इंक्रीज़ जो है वो बॉडी के लिए ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि ये जो इंक्रीज़ है वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। अब वहाँ पे क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन को कम करना पड़ेगा, तो क्या होगा कि नेगेटिव फीडबैक जो है वो इसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे कम करवाएगा। वो क्या करेगा, इनिशिएटिंग स्टिमुलाय TRH की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा था, फिर TSH की और फिर थायरोक्सिन की, ये नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे इंक्रीज़ होगा और वो इनिशिएटिंग स्टिमुलाय को काउंटरैक्ट करके उसको स्टॉप करेगा और ये यहाँ पे खुद जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जब ये इंक्रीज़ होगा तो TRH का जो लेवल है वो भी कम हो जाएगा और TSH का लेवल भी कम हो जाएगा, और एज अ कंसिक्वेंस क्या होगा, हमारे पास थायरोक्सिन का लेवल भी कम हो जाएगा। जब वो कम होगा तो मेटाबॉलिक रेट खुद ब खुद डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन फिर ये यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि डिक्रीज़ जो है वो एक पॉइंट तक जो है वो बॉडी जो है वो कर सकती है बर्दाश्त, लेकिन जब वो उसके जो होम्योस्टेटिक पॉइंट है, जैसे टेम्परेचर का बॉडी का एक एवरेज जो है पॉइंट होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इस तरह हार्मोन्स का भी एक पॉइंट होता है, जब वो उससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा, जब वो बॉडी के लिए हार्मफुल होने लगेगा, तो फिर क्या है, यहाँ पर जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम था जो कि इनिशिएटिंग स्टिमुलाय को काउंटरैक्ट करके सप्रेस कर रहा था, उस फीडबैक को यहाँ पर डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा कि दोबारा से वो जो है वो इनिशिएटिंग स्टिमुलाय जो है हंगर है वो दोबारा से यहाँ पर एक्ट करके TRH के कंसंट्रेशन को बढ़ा कर थायरोक्सिन का लेवल बढ़ाएगी और मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ कर देगी। ये इसी तरह एक साइकिल है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की, जो एग्जाम्पल को शो कर रहा है। उससे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की एग्जाम्पल। पॉजिटिव फीडबैक में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जो रिस्पांस होता है सिस्टम का वो
इनिशिएटिंग स्टिमुलाई को रीइन्फोर्स करता है, उसको बढ़ाता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अब ये जैसे बेबी सक करेगा यहाँ से, जितना ज़्यादा ये यहाँ से सकिंग का प्रोसेस होगा उतने ज़्यादा मैकेनोरिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन में जाएंगे, फीमेल के जो है वो हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाएगा और मिल्क इजेक्शन जो है वो उतनी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा सकिंग का प्रोसेस हो रहा है उतने ज़्यादा यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की एग्जाम्पल, एंड दैट वॉज ऑल अबाउट द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऑफ हारमोन्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।